Yeah, the bubble. तो इसका हम ग्रिप उतार के चेक करते हैं। ये हमने ग्रिप उतार दिया, अभी देखो कोई मसला भी नहीं है। फिर हम इसका ग्रिप लगाते हैं। तो ये स्टीयरिंग जाम हाँ, ये तो चलते खोलते हैं फ्रेंड, इसका क्या मसला आया हुआ इसके अंदर। मोटर खोलेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट आया है। ये भी मैंने दो बोल्ट खोल लिए, ये आराम से ऐसे आ जाएगी। ये इसका क्लिप है। अभी जो इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है वो ये, इसके अंदर प्लास्टिक की गराड़ी होती है, ये टूट गई है, ये। अब इसको खोल के भी चेक करेंगे। ये मोटर का कार्ड होता है जो इसको ना लेफ्ट राइट घुमाने में ना मदद करता है। ये देखो, ये अंदर गाड़ी टूट गई है, ये अंदर गाड़ी टूट गई है। ये देखो, ये देखो, यहाँ घुमा रहे वो नहीं घूम रहा। ये इधर ही भाई, बस हाथ ले पड़ेगी। ये रिप्लेस होगा, ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है, ये दूसरा चेंज होगा। ये चल बन, तो ये ऐसा हम सेम बिल्कुल लाए हैं, कंप्लीट प्योर काबली। तो इसके साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये पुरानी का कार्ड है और ये काबली दूसरा कार्ड है जो मोटर कंप्लीट है, सेम कार्ड है। और ये मोटर का नंबर भी इसके अंदर बिल्कुल सेम है, इसको अब रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे, इसका कैसा रिजल्ट आता है। ये कंप्लीट है, ये इसका लॉक है गाड़ी का अपना, काबली के साथ लॉक नहीं आया। इसके साथ कंप्लीट स्टेरिंग होता है जिसके अंदर कार्ड आता है, मोटर आती है, और ये
इसका जो चाबी स्विच है ये नहीं आता इसके अंदर, तो ये चाबी स्विच खोल इसके अंदर हम काबली के अंदर लगाएंगे। इसका ये चाबी वाला स्विच है ये खोलेंगे, चाबी वाला स्विच खोल के इसको बताते हैं कैसे खोलता है। ये चोट से खुलता है, इसका कोई पाना नहीं होता। तो जी ये हम जो काबली लाए थे इसके अंदर ये हम इसका स्विच फिट करेंगे और ये वाला साइड पर रखेंगे। जो ये है ना ये कार्ड के साथ ही आया है कम्प्लीट, कोई उसका पुराने का सामान नहीं लगेगा, ये कार्ड के साथ आया है। जो ये है ना ये चाबी स्विच होता है इसका। जो बाकी इसके अंदर तीन तार, एक रेड तार है, एक वाइट तार है, ग्रीन तार है, ठीक है। ये देती है कार्ड से सिग्नल आपको, कार्ड के अंदर देता है ये भी। जो बाकी ये होता है ये चाबी स्विच होता है इसके अंदर, और ये इसका मेन करंट है और ये इसके अंदर अर्थ है। तो जी हम इसके अंदर भी इसका जो स्विच अभी हमने खोला है इसके अंदर हम ये फिट करेंगे। ये इसका जो होता है स्टीयरिंग का, तो ये हम अभी आपको घुमा के देते हैं ये लॉक कैसे होता है, इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी बनी हुई है। ये जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ये इसकी लॉक वाली जगह आ गई, ये इसके अंदर लॉक की जगह आ गई है, ये इसके अंदर जाके अटक जाता है तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। इसका स्विच होता है जो गाड़ी को स्टार्ट करने में ना मदद करता है ये, ठीक है। अभी इसको हम फिट करेंगे और आपको इसके अंदर अब हम गाड़ी के अंदर लगा के चेक करेंगे इसका क्या सही मायने से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम इसको अभी फिट करने जा रहे हैं, फिट करके अभी आपको इसकी फिटिंग दिखाते हैं, फिटिंग दिखाए इसके नीचे। तो इसके ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये सामने जो दो बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला एक ये वाला, और ये दो बोर्ड एक ये एक ये एक ये। ना स्टीयरिंग खोलने से पहले ना इस रिबन को ना लाजमी निकाल दिया करें, कि इसका ये एंगल सेंसर होता है ना अक्सर लोग चेक करने के चक्कर में ना ये उड़ा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको निकालें, ठीक है ना, इसको निकाल के अलग रख दें, फिर जाके आप इसके स्टीयरिंग का चक्का खोलना है या स्टीयरिंग का क्रॉस वगैरह खोलना है, कुछ भी खोलना है स्टीयरिंग घुमाने के हवाले से, तो इसका आप पहले लाजमी एहतियात करें। ये टूट भी जाता है और नीचे जो होता है ये क्रैश हो जाता है अक्सर, क्रैश होकर यह एरर छोड़ देता है मीटर के अंदर, मीटर के अंदर एरर छोड़ देता है। मैं आपको वो एरर दिखाता हूँ, ये देखें ये एरर इसने छोड़ा हुआ है, और ये एयर बैग का एरर होता है, ये एंगल सेंसर का है जो ये है, इसको एंगल सेंसर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एंगल सेंसर भी होता है, जो नीचे आपको हमने पहले भी वीडियो पे बताया था टॉर्क सेंसर, एंगल सेंसर और टॉर्क सेंसर साथ चलते हैं ये। तो ये हम इसको लगाएंगे, अभी इसकी देखते हैं लाइट बंद हो रही है नहीं हो रही। तो देखते हैं इसकी अभी एंगल सेंसर की लाइट बंद हो रही है नहीं हो रही, लाइट बंद हो गई, अभी इसको स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। लाइट चली गई, रिडार की भी चली गई, और बाकी रह गई है ये एयर बैग की लाइट, ये हम पूरी फिटिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे इसकी लाइट जाती है नहीं जाती।
भी बारी आ गई है एयरबैग लगाने की। इसके अंदर बोल नहीं होते, इसके अंदर नक्के होते हैं जो ये लगे होते हैं, ठीक है। आप पेचकस वगैरह से या कोई भी नोक की चीज़ देना, आप इसके नीचे जगह बनी हुई इसको करेंगे, ये यूं वर्क होंगे ये। अभी हम इसका बंद करके गाड़ी एयरबैग लगाएंगे। और इसको बिल्कुल सुकून से बिठाएंगे। अभी हम मीटर के अंदर चेक करेंगे इसके एयरबैग की स्विच पे लाइट जा रही है कि नहीं जा रही। अगर स्विच पे लाइट जा रही होती तो एयरबैग इसके अंदर लगी हुई गाड़ी नहीं है, ये ओरिजिनल गाड़ी है ये। देखिए स्विच लगाने पे, स्टार्ट पे नहीं। स्टार्ट पे अक्सर लोग होते हैं ना, मीटर से गैप कर देते हैं, जब स्टार्ट होती है तो गाड़ी लाइट गायब हो जाती है। देखें अभी इसकी लाइट गायब हो जाएगी, समझ लो इसकी गाड़ी लगी हुई, मेन एक्सीडेंट नहीं है। तो भी जी हमारी ये पूरी कंप्लीट फिटिंग हो गई है, बिल्कुल प्यार से फिटिंग हुई है सारी। देखें क्रास वगैरह पूरी जेन्युइन फिटिंग के साथ हुई है, कोई भी नट बोल्ट नहीं बचा इसके अंदर, ए टू जेड कंप्लीट लगाई हमने। और ये मीटर में भी कोई लाइट नहीं है, ना एंगल सेंसर की है, ना टॉक सेंसर की है, किसी चीज़ की भी लाइट नहीं है। देखो पूरा पूरा स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ मैं, देखिए तो सबसे मेन बात होती है, अक्सर लोग खोलते हैं ना स्टेयरिंग वगैरह, तो वो इसके अंदर ना स्टेयरिंग या कभी यहाँ होता है कभी यहाँ होता है, इसका बिल्कुल सीधा लॉक होगा, देख लें बिल्कुल सीधा लॉक होगा। तो हम जो चीज़ लेके आए हैं एक नंबर काबिली है चीज़, कार्ड भी इसका काबिली लगाया, मोटर भी इसके अंदर काबिली ही लगाई है अपने। देख कोई भी लाइट नहीं है, स्टेयरिंग तक की लाइट चली गई इसके अंदर, स्टेयरिंग बिल्कुल हल्का हो गया है, कोई आवाज़ नहीं है। और ये बंद करते हैं, बिल्कुल जाम है, ये स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हल्का देखें,